प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तो सभी सेठों ने कहा, दामोदर आप खामोश क्यों बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा? आप भी अपने भगवान अपने कबीर जी से अर्ज करो अपनी जान रक्षा की। दामोदर सेठ कहने लगे, अभी मेरा तो गुरुजी गरीब सा है और बोधा सा आदमी है, और तुम्हारे भगवान कोई पाड़ उठा रहा है, कोई गोवर्धन ने उठा रहा है, और इतने तगड़े भगवाना की आड़ में मेरी भी जान बच जाएगी। आप प्रार्थना कर ही रहे हो इन भगवानों से, तो ये रोक देंगे थरे समुद्री तूफान को, और मुझे क्या चिंता फिर, आपके इतने तगड़े तगड़े भगवान रहे। तब वो सेठ कहने लगे, दामोदर नाश हो गया बात का, ये मजाक मत ना करें, आप भी अर्ज करके देख लो, हो सकता ना जाने भगवान किसकी पुकार सुन लिया करे। तब सेठ कहने लगा दामोदर के, तुम बैठ जाओ आराम से, तब मैं अर्ज करूंगा, नहीं तो तुम बीच में टांग अड़ाओगे। मन दुर्गा से कह दिया था इसलिए तुम समुद्री तूफान रुक गया, तुम बाद में नंबर बनाओगे। अक्सेठ जी अब मजाक ना करें, कति देख नाश हो गया, कति मर गए, कति कुछ अर्ज कर लेने बोला, तुम बैठो। वो बैठा तो केजा था नोक से खड़े होकर के, फिर चुप हो गए, पूजा और साधना बंद कर दी। तब परमात्मा के आगे अपने फोटो के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के दामोदर सेठ ने कहा, हे परमात्मा, और दामोदर सेठ परमात्मा कबीर जी के, क्योंकि उन्होंने 15-20 दिन सत्संग सुने थे जगह जगह जा करके, और लोगों से उनकी कहानी कथाएं सुनी थी। कोई कहता मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा बेटा मरण में हो गया था, परमात्मा के आशीर्वाद थे, वो स्वस्थ हो गया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण ले रखे थे, और उन सेठों को सुनाया करता था कि कबीर परमात्मा ने ये कर दिया, कबीर भगवान ने गुरु जी ने ऐसे सुख दे दिया, तो इसलिए उसका नाम कबीर धर लिया था उन्होंने, रख दिया था। तो कहने लगा, हे परमात्मा, हो सकता है इस नीच के ऐसे पाप कर्म हो कि इस कुत्ते वाली मौत ही मरना था, लेकिन इस दुष्ट में कोई ऐसी, इस नीच आत्मा में कोई ऐसे जो है त्रुटि आई होगी कि आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, मैंने आपके बहुत गुण गा दिए इनका आगे, और मुझ दुष्ट के कारण परमात्मा आपकी बेइज्जती होगी। हे प्रभु, आद रक्षा लज्जा रख लो अपने दास की, और फिर कहीं मार दियो मुझे, नो ऑब्जेक्शन। नो कहकर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार करके, और इतनी लोगों की दृष्टि में तो वो ऐसे गिर गया। इतने में क्या होता है कि वो तूफान जैसे यूं खड़ा था ऊपर को, एकदम देखते देखते जैसे छाला बैठ जाया करे, बिल्कुल शांत हो गया, नो डिस्टर्बेंस, कहीं भी कोई लहर भी तेज नहीं रही समुद्र की, और इतना शांत समुद्र हो गया। तो सभी ने उसके मुंह पर छीटे छटे पानी के मारे वो सचेत किया, और दामोदर को उठा के ऊपर ने गोदी मर, जय बोलो दामोदर की, जय हो दामोदर भगत की, ने बोला ना भाई, जय बोलो बंदी छोड़ कबीर की, उस परम पिता की जय बोलो जिसने आकर के हमने प्राणों की रक्षा की है। तो सारे सेठ ने बोले, भाई हम तो
आपके गुरु जी के नाम लेवाएंगे, हम तो उसी के चरणों में चलेंगे और उपदेश लेंगे। वे हम तो आज आपकी तो कहा करते वह शक्ति तेरे गुरुदेव में आज न्यारी दिखेगी। पुण्यात्माओं, उसी रात्रि में परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे कबीर परमेश्वर, और ये सर्दियों के दिन थे। ऐसे ही एक भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे, और आसपास क्योंकि ऐसी आसन लगा होता था थोड़े से ऊंचे से तख्त पर, आसपास भक्त बैठे होते थे, इसे 50-60 भक्त बैठ कर सत्संग सुन रहे थे। परमात्मा शब्द गा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और ऐसे अपने ऐसे करके बालाम कर ऐसे नू करके और नू हाथ मार दिया छिट्टे से पसी, वह तो पानी की बूंदें लगी आसपास बैठे भक्तों के। तो वो भक्त बोले, गुरुदेव आपका पसीने आगे दिखे। न बोला रो का मैंने पसीने आगे नाला को। बोला जी और क्या हो गया? के भाई दामोदर सेठ नहीं था वो अपना भगत बनिया, वो लाला जी हकान जी भाई उसका जहाज डूबे था, और उसका जहाज बचा के आया हूँ, वहाँ समुद्र में जाना पड़ गया, इस पर कह ये पानी सा लग गया था इसने, इसलिए मुँह में पूछा है भाई। और तो वो भगत ने सोचे महाराज जी तो निरे गोपोड़ पेले झूठ बोले, बता यहाँ बैठे महाराज गए और नुके का दी तो भगवान गुरुदेव कतिये झूठ बोलते हैं। मन मन में उनके मन में गंदापन था, हालांकि वो इतना ज्ञान और विचार भी सुनते थे, ये मन की खोटी बाण है, कोई न कोई दोष गुरुदेव में काट डे लिए है, निकाल ही लेता है। तो उन नालाका गए ऐसे मन में खोट आ गया, और वो सोचने लगे गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं, अन्य दामोदर का जहाज डूबे था वहाँ जाकर आया हुआ है। वो तो बात गई आई हुई। कुछ दिन के बाद फिर सत्संग हो रहा था उस रात्रि के समय, और वो 2-4 दिन के बाद वो जहाज के यात्री आए, वो घर पर पहुँचे, कहाँ कबीर जी के घर पर गए झोपड़ी पर, वहाँ पता चला कि वो तो वहाँ सत्संग कर रहे हैं। अब उस सत्संग में वही उस काशी के जितने भी 150 शिष्य थे परमात्मा के अनुयायी थे, वो सारे बैठे सत्संग सुन रहे, 2-4 नए भक्त भी आए हुए थे, और सत्संग चल रहा था। और वही जो मन में खोट था वो व्यक्ति भी, वो श्रद्धालु भी विद्वान थे कि गुरु जी तो उस दिन झूठ बोल रहे थे, एक दिन दकती झूठ बोल दी, दामोदर का जहाज बचा के आया हूँ, इसलिए पानी में बाल बूढ़ भीज गए थे, वो निचोड़े हैं। उधर परमात्मा सत्संग कर रहे थे, और वो कबीर जी की झोंपड़ी पर जाकर के वो सारे सेठ 20-30-50 जितने थे ने बोले, भाई 5-6 घर जावांगे, पहले गुरुदेव के शरणा में गिरेंगे, उनके कारण आज हमारा जीवन मिला हुआ है। कबीर जी की झोंपड़ी पर गए, वहाँ नहीं मिले तो पता चला वहाँ सत्संग कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए, और बाहर खड़े होकर जय हो बंदी छोड़ की, जय हो कबीर साहब की, जय हो कबीर साहब की। अब भाई ने क्या करें, जिसने जान बची लाखों पाए, जय जय कारोबार करे। परमात्मा बोले, भाई पता करियो बार केस और हो रहा है। तो एक दो भक्त जाकर देख कर आया, वो दामोदर को पहचानते थे क्योंकि वो भक्त था, और 15-20 दिन सत्संग सुनकर गया हुआ था, आता जाता रहता था। तो उन्होंने कहा जाकर के, क्या बात है भाई, कैसे आए हो? दामोदर को पहचान लिया उन सर भक्तों ने, कहा सेठ जी आ जाओ, कैसे क्या बात है भाई, हम गुरु जी से मिलेंगे और सारे सेठ नाम लेंगे, और ये सारे सेठ मेरे साथ आए भक्त, गुरु जी से बात कराओ, मिलना चाहते हैं। भक्तों ने आकर कहा, गुरुदेव वो दामोदर सेठ नहीं है अपना लाला जी अकान जी, उसके गिल गढ़े और लाला जी आए हैं, भगत आए हैं, और सारे नाम लेंड की कहें, पता नहीं के बात साहब की जय जयकार करें। बोला भाई बुला लो, के बात है, नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उपदेश देने के लिए तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं। वो सारे 20-30-40 लाला जी आए, और हे गुरुदेव, हे भगवान, आप तो सचमुच भगवान हो, हे परमात्मा आपने हमारी प्राणों की रक्षा की, हे भगवान, हे परमात्मा, आपके दिए दिन हैं। परमात्मा चाहते थे कि ये अपने मुंह तक कह दे ना नालाका ना जो मन में खोट ला रहे थे। कहने लगे, रे क्या बात होगी भाई, बताओ तुम्हें तो ना पता, क्या बात है, कैसे क्या हुई भाई, कैसे घटना हुई बताइयो। तो खड़ा होकर वो बताने लगे, सारी कहानी बताई, भगवान हमने माफ़ कर दो,
हम आपके भगत के बहुत मजाक कराया करते, हमने बूंदी अच्छी भी कही, पर नाराज कति नहीं हुआ। हमने जो ना कहने की बातें इसको कही, और हम उन भगवानों को शक्तिशाली मानते थे, और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। हे गुरुदेव, हे महाराज जी, हम कति आज तो आपकी दया से आपने इनकी अर्ज सुनी और हमारे जीवन रक्षा हुई। ऐसे ऐसे उस रात्रि में ये जहाज डूब रहा था, समुद्री तूफान आ गया था, आपका भगत आपको प्रेरणा, आपको प्रार्थना करके और अचेत हो गया था, आत्मा इतना लीन हो गया, इसने ऐसी आत्मा से पुकार की और परमात्मा आपने जाकर डूबता जहाज बचाया, हमारा ना तो नाश हो गया था। ओए होए होए, सारे दंडोत प्रणाम करें और पड़ गए वहाँ परमात्मा के चरणों में, बच्चे वीर बालक भी। तब उन नालायक जो बैठे थे, सिसरोज सत्संग सुने, गुरुदेव पर विश्वास नहीं था, उनके भी कान खड़े हुए, उन भी माफ़ी मांगी है, भगवान हम भी पापी आत्मा हैं, हमारे से भी गलती होगी, हमने तो उस दिन आपकी बात को मजाक में टाल दिया था, और सचमुच ये तो आप उस परमात्मा बोले, भाई 100 सल्चिद्र हम करें अपने जन के काज। कहते जब हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई, जब हमारा भक्त का हार होगी तो हमारा नाम कौन लेगा। और ये तो तुम्हारे मन के खोट को देखकर मैंने दृढ़ करने के लिए ऐसे किया था, ना तो हम तो लाखों एक दिन में करोड़ शरीर धारण करके ना जाने कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार सिंधु पै सला तराने वाणी, जा सतरे खा लखी अपार सिंधु पै सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला, डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय बरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्श दे पूरण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद
प्राप्त कराने वाले बेटियों जन्म मरण की त्रास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्स दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्स दे पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की त्रास सत्य पद प्राप्त कराने वाले बेटियो जन्म मरण की त्रास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साहिब कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीस गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी आर भावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता कुलाज मैं अपराधी जन्म का नकसक भरे विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करो शवार। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किस की शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा तीन के हृदय न समान बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े जैसे कागज हज का सोजत और न ठोरी। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि है तीर दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचन हार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु
अल्लाह कबीर स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को समझाते हैं और काल के लोक में कष्ट उठा रही पुण्यात्माओं को अपने निज घर की खबर जानकारी स्वयं ही प्रदान करते हैं। परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी से मिले, उनको समझाया कि जब से हमसे बिछड़े भाई, अपनी प्यारी आत्मा के साथ परमात्मा ऐसे फिरता रहता है, लेकिन हम इस काल के लोक में आकर के इस माया के नशे में, माया रूपी भांग के नशे में हम अपने पिता को नहीं पहचान पाते, और जो हमें भांग पिलाते हैं, नशा कराते हैं, उन्हीं को हम अपने निजी मित्र मानते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं। तो जब श्री नानक साहिब जी को परमात्मा आकर मिले, उनसे गोष्ठी की, यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाए, तब कहा था के 60,000 भल जन्म तब पाए जब से हमसे बिछड़े भाई, और 60,000 भल जन्म तुम पाई। है कहते हैं जब से तुम हमसे बिछुड़कर आए हो सतलोक से, 60,000 जन्म तो आपके बहुत ही अच्छी अच्छे यानी ऊंच पोस्ट को प्राप्त हो, जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता युग में वही पुण्यात्मा राजा जनक हुए, जिन्होंने सुखदेव जैसे महर्षि जी को भी अपनी शरण में लेकर उसको स्वर्ग तक जाने की टिकट बनाई, अर्थात उसको योग्य बनाया, और फिर श्री नानक रूप में जन्म हुआ। कहते ऐसे ऐसी अच्छी आत्माओं के जन्म भी तेरे 60,000 हो चुके, जब से हमसे बिछड़े भाई, और 60,000 भल जन्म तुम पाई, और अनेक जनक और अन्य जनक अनेक जन्म असंख्यों गिनती नहीं, अन्य जन्म असंख्य गंवाए, और सतमार्ग नहीं काहू पाए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यहाँ प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपनी अमृत वाणी वो सवसम वेद का ज्ञान प्रदान करके, और एक जीवन तो वो पूर्ण रूप से लीला करके जाते हैं, उसमें प्रत्येक मर्यादाएं प्रत्येक प्रकार के फाउल पॉइंट्स जो भक्ति बाधक होते हैं उनका भी वो एक उदाहरण पेश करके जाते हैं। परमात्मा जब आते हैं उस समय काल के द्वारा भ्रमित ये संत ऋषि महर्षि शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का बहुत जबरदस्त ढोल पीट चुके होते हैं, जन जन को रंग रखा होता है शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से, इसलिए उस परमात्मा के पहचानने में हम गलती कर जाते हैं। श्री रामानंद जी को जो परमात्मा मिले, उनके मन की बात बताई, तब रामानंद जी ने देखा, कहा ओए होए, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, और गरीब दास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेष। तब श्री रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, आपने मेरे ऊपर मेहर कर दी कि मैंने आपको जान लिया कि आप प्रभु हैं, परंतु आपकी स्थिति से आम जन साधारण मेरे जैसा कैसे परिचित हो सकता है, आप किस तो वर्ण में अर्थात जुलाहे जाति में और एक बालक रूप बनाए खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हैं हम। तब परमात्मा ने कहा था, मेरे को पहचानना बहुत ही आसान है, मेरे ज्ञान को सुनो
और मेरे स्थान को देखो जहाँ, तो फिर वो मेरी महिमा से परिचित हो जाओगे। पुण्यात्मा, जैसे हम प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र 12-15 और 20-23 में बिल्कुल मना किया है। तो कुछ प्रश्न, कुछ व्यक्ति जो भावुक होते हैं वो प्रश्न करते हैं कि ये बात आप कैसे कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु अर्थात विष्णु जी भगवान नहीं थे, ये कोई शक्ति नहीं रखते। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे श्री कृष्ण रूप में आए श्री विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र को आर्य से चिरवा कर पुनर्जीवित कर दिया था, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कहते हो कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे। उनके लिए प्रमाण दिया जाता है कि हम ये नहीं कहते कि ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये साहब नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं हो पाए हैं। प्रभु की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं है, जिस कारण से हमारे मन में शंकाओं के ढेर बन जाते हैं जब तत्व ज्ञान सामने आता है। जैसे एक तहसीलदार साहब होता है, एक SDM भी साहब होता है, डिप्टी कमिश्नर DC भी साहब होता है, कमिश्नर भी साहब होता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री भी साहब ही कहलाता है, और राष्ट्र प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, सभी अपने अपने विभाग के क्षेत्र के ये प्रभु हैं। इन प्रभुओं के, इन भगवानों की अक्षमता में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमने इन उदाहरणों का सहयोग लेना होगा कि तीन विभागों, एक ब्रह्मांड में, जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, तो मंत्री की पावर होती है, मंत्री भी साहब होता है, उसकी भी कुछ शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं होता। एक प्रांत का मंत्री पावर रखता है, उसमें शक्ति होती है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आप जी ने जैसे ऐसे मान रखा है कि जैसे प्रांत के मंत्री को ही आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की महिमा मान रखी है कि ये ही प्रधानमंत्री है, यही राष्ट्रपति है, यही सारे देश का मालिक है, ये आपका सिद्धांत या आपकी थ्योरी रोंग है, गलत है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तीन लोक के भगवान हैं, और फिर कहते हो कि ये सारे लोकों के भगवान हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये सब के मालिक हैं। नहीं, एक ब्रह्मांड एक प्रांत समझिए, 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन ब्रह्म के लोक हैं, स्थान हैं, देश हैं यानी प्रदेश हैं, और इसका जो 21 ब्रह्मांड मिला करके एक देश बनता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में नाना बहुत से प्रांत हैं, उन प्रांतों को मिला करके एक देश बनता है। तो एक प्रांत में अर्थात एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, मालिक हैं, साहब हैं, और तमगुण विभाग के श्री शिव जी महेश जी यानी स्वामी हैं, मंत्री हैं, मालिक हैं, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी अपनी पावर है, कुछ हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति वाली और प्रधानमंत्री वाली शक्ति नहीं रखते। आप यही उल्ट कह रहे हैं, बस इसी का निर्णय दिया है। हमने ये नहीं कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ शक्ति नहीं रखते या ये स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं है। ये कहा कि तुम इसको, इनको पूर्ण परमात्मा कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो, अजर अमर कहते हो, ये सिद्धांत आपका उचित नहीं है, अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है। इन भगवानों की थ्योरी में, इन भगवानों के जीवन हिस्ट्री में
इनकी जीवन कहानी में, जीवन कथा में लिखा है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। और इनकी जो जीवन कथा में लिखा है कि इनके पिता ज्योति निरंजन है और माता दुर्गा है। आप इनको अजर अमर कहते हो, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है, ये सिद्धांत आपका गलत है। सिर्फ इतना ही बताया हमने। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए, अर्जुन के मन में एक भावना पैदा होगी थी कि प्रभु मैं आपका बहुत ही निकटतम मित्र और सेवक हूँ, उसके मन में यही बात आ गई थी कि मेरे जैसा श्रद्धालु सेवक आपका नहीं हो सकता। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए कि मैं आपका सब सर्वोत्तम भक्त हूँ, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साथ लेकर के राजा मोरध्वज के घर पहुंचकर उनसे कहा कि हमारे साथ एक शेर है, एक शेर बना लिया अपनी माया तय, और दोनों ने साधु का रूप धारण कर लिया। राजा मोरध्वज अपने लड़के का राज तिलक करने जा रहा था, उसी उपलक्ष में बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने जाकर कहा कि मोरध्वज हमारा शेर है, इसको भोजन आहार कराइए, हम पीछे आहार करेंगे। मोरध्वज ने प्रार्थना की थी, प्रभु आहार कीजिए, प्रसाद पाइयो, भोजन कीजिए। उन्होंने कहा था पहले हमारे शेर का भोजन कराओ, बाद में हम आहार करेंगे। और सुन लेना, ये हमारा शेर पशु पक्षी का मांस नहीं खाता, ये तो मनुष्य का मांस खाता है। और सुन ले, कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, तेरे घर के सदस्य का ही मांस खाएगा। तब मोरध्वज, क्योंकि उस मोरध्वज राजा करबद्ध होकर कहने लगा, जो आपकी आज्ञा प्रभु ऐसा ही होगा, क्योंकि उस समय संतों का सत्कार बहुत किया जाता था, क्योंकि साधु संत कुछ शक्ति युक्त होते थे, वो जो वचन कह देते थे उनके वचन पार हो जाया करते थे। इस आधार से उन्होंने संत की, उनको संत मान करके और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। तो वो तीनों इकट्ठे होकर के, एक लड़का तामरध्वज और मोरध्वज की पत्नी, तीनों इकट्ठे होकर सलाह करने लगे कि महात्मा जी का आदेश है कि उनका शेर एक मनुष्य का आहार करेगा। तो तीनों बतलाने लगे। राजा ने कहा कि लड़के का राज तिलक कर देते हैं, मेरा काम पूर्ण हुआ, तुम माँ बेटा अपना शासन करना, राज्य संभालना, और मैं आहार बन जाता हूँ शेर का। अब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, मैं पतिभर्ता पत्नी हूँ, और पतिभर्ता पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु होती है तो मुझे कलंक लगेगा, मैं नहीं जी सकूंगी, और मेरा काम था तुम्हारा वंश चलाना, वो काम मेरा पूरा हो चुका है, और तुम पिता पुत्र शासन करो, बच्चा है इसको राज्य का पता नहीं, राज काज के काम का, आप इसके गाइड करते रहना, आप दोनों राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। अब तामरध्वज लड़का सुन रहा था कि माता पिता कहते हैं माता पिता का बहुत ज्यादा ऋण होता है, अभी तक तो आपने मेरी परवरिश की है और मैंने आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, मेरे ऊपर ये पितृ ऋण बना रहेगा, मैं आप राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। अब तीनों में यह बात उलझ गई, तीनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। उधर से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि भाई जो आज मेरे शेर का आहार बनेगा वो स्वर्ग चला जाएगा,
अब पुण्यात्माओं कहते हैं बैराग नाम है त्याग का भाई पांच पच्चीसो माही। बैराग नाम है त्याग का इन पांच पच्चीसो माही, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और ये 25 प्रकृति जो हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, कहते इन्हीं में रह करके वैराग करे। कैसा वैराग करे? लोभ काम क्रोध मोह लोभ करे तो ऐसा करे, अब लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। कैसा करे कि मोर ध्वज ये सोच रहा है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मरना एक दिन है ही, अरे इतना बढ़िया अवसर कब मिलेगा, स्वर्ग जाऊंगा और बैठ गया सूत, तो वो नो लालच कर रहा है मेरा नंबर आ जाए, आज मैं मरूं शेर का हर बनूं स्वर्ग जाऊं। यही लालच रानी के मन में, अगर भाई कद कद सूत बैठे स्वर्ग में, क्या पता बाद में जावा ना जावा रिप सीधी टिकट बने, यही लालच फिर उसने लड़के को था, तीनों के मन में यही लोभ था। अब कहते हैं लोभ करे, लोभ को रखो पर सुथरा करो, परमात्मा के नाम का करो, दान का करो, भक्ति का लोभ लालच करो। इन कहते हैं तब तीनों आकर के उन संतों के पास, दोनों संत रूप में बैठे थे लाल कपड़े पहन के। मोर ध्वज कहता है जी मैं आपके समर्पण हूँ, मेरा शीश ले लीजिए। रानी कहती है नहीं जी, ये मेरे पति हैं और मेरा काम पूरा हुआ, मैं पति भर्ता पत्नी हूँ, इनसे पहले मेरे से पहले ये नहीं जा सकते, आप मेरा शीश लीजिए। अब लड़का कहता है कि देखो महात्मा जी, ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनकी कुछ सेवा की नहीं, ये तो वैसे जिद कर रहे हैं, और आप मेरा शीश ले लीजिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भाई मैं फैसला करता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा, कहाँ जी आप कर दो, आपकी बात फाइनल होगी। कहने लगा भाई लड़का लड़के को अर्पण कर दो, और सुनो तुम दोनों इसके सिर पे आरा चलाओ, बीचों बीच काट देना। अच्छा जी, किस लिए काटना है? कि जो दायां अंग है इसको इस शेर खाएगा, बाएं को नहीं खाएगा, इसको रिजेक्ट करके एक तरफ डाल देना है। अब जब वो दोनों आज्ञा पाकर के मोर तामर ध्वज ने स्नान किया और बैठ गया, माता पिता सिर पे आरा धरकर और उसको चीरने लगे, तब तामर ध्वज को ये बात याद आ गई कि मैं कितना पापी हूँ, हो सकता है मेरा मैं स्वच्छ नहीं हूँ पूर्ण रूप से, इसलिए मेरा आधा ही शरीर प्रयोग आया, हो सकता है मैं स्वर्ग ना जा सकूं, दे मैं कितना नीच आत्मा होऊंगा, भगवान ने साधु जी ने मेरे आधे ही शरीर को स्वीकार किया, इसलिए मैं पूर्ण पाक नहीं हूं, पवित्र नहीं हूं। यूं कहकर आँखों में पानी आ गया, रोने लग गया, और तब तक आरा आधे सिर को चीर चुका। तब मोर ध्वज ने कहा श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा भाई हम नहीं लेते ये भेंट तुम्हारी, यो बेटा तो रो पड़ा तेरा, हमने कहा था कि आंखों मांसू नहीं आने चाहिए, इधर तुम्हारे अंदर मेर तेर होगी तो तुम स्वर्ग भी नहीं जाओगे और न ही ये शेर आहार करेगा, तो इस लड़के का राजपाट की कोई मन में लोभ लालच रह गया, यो रो पड़ा, हम नहीं खाएंगे इसको। तब वो लड़का मरता मरता कहता है भगवान आप अंतर्यामी हैं, ये महात्मा जी ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इतना पापी हूँ कि मेरा आधा ही शरीर काम आ रहा है, आप कहे। इतना कह के वो लड़का प्राण त्याग गया, और संत जी उठकर चल पड़े कि ना भाई तुम तो रो पड़े, तुम्हारे सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया तुमने ये शीश, ये कच्चापन है तुम्हारे अंदर। तब राजा और रानी पैरों में गिर गए, कहा प्रभु हे महात्मा जी अब तो अंतर्यामी है, बालक था, होगी होगी गलती, अब मुझे चीर लो, मुझे समर्पण कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल कुछ भी मन में शंका नहीं है, ना कोई लोभ लालच है। रानी कहती है नहीं जी मेरा शीश ले लो और आप जाओ ना हमारे द्वार से, खाली मत जाओ। कहते हैं फिर प्रसन्न होकर के
वापस आते हैं और आरा अपने हाथ से उस लड़के के शरीर से निकाल कर भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया और कहा, मांग मोर दज, मांग तुझे मैं व्योमपति कर हूँ, पूरी पृथ्वी का शासन दे, पूरी पृथ्वी का राज दे देता हूँ। तो उस ज्ञानी मोर ध्वज ने कहते, मांगे तो ये चीज मांगे, कहते नहीं प्रभु, मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे तो भाव भक्ति दे दे भगवान और परमात्मा की मैं भक्ति कर सकूं। तो पुण्यात्माओं, मोर ध्वज के पुत्र तामद ध्वज को भगवान ने जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये इतनी शक्ति युक्त हैं ये कि इस कटे हुए शरीर को ये जोड़ सकते हैं, निशान भी नहीं होगा, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये किए हुए कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब सुभद्रा पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी के सगे भांजे अर्जुन का लड़का महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसके प्रारब्ध में उसका शेष जीवन नहीं था। सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था और श्री कृष्ण रो रहा था अपनी बहन को से कौली में। अब दोनों बहन भाई चिपट लिपट कर रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे, श्री कृष्ण भी रो रहा था, वो जीवित नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि श्री अभिमन्यु जी की आयु शेष नहीं थी। अपुण्यात्माओं कहते हैं, गोवर्धन कृष्ण ने धारो द्रोण गिरी हनुमंत, तुम कहते हो शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया वो गुरुड़ बड़ा अकराम। लंका पाट समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने वसारे पी लिए इनमें कौन करतार। कितनी प्यारी व्याख्या की है प्रभु ने, तुलनात्मक तरीके से प्रश्न किया है कि यदि तुम एक गोवर्धन उठाने मात्र से श्री कृष्ण को भगवान मानते हो, तो द्रोणागिरि पर्वत को हनुमान जी उठाकर लाए थे, और तुम्हारी दंत कथा कहती है कि शेष नाग ने सारी पृथ्वी को भी ब्रह्मांड को उठा रखा है, सब लोकों को सिर पे रखा हुआ है, और श्री कृष्ण जी ने तो पृथ्वी पर से एक टुकड़ा पहाड़ का ही उठाया, तो इनमें श्री कृष्ण को भगवान कैसे माना, उस शेष नाग को क्यों नहीं माना, हनुमान को क्यों नहीं माना तुम, क्या उस पहाड़ उठाने मात्र से ही उसको भगवान की संज्ञा माप ले रहे हो। फिर कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था और एक नागफांस नाम का एक शस्त्र छोड़ दिया था, जिससे सभी सेना भी और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण समेत ऐसे सावधान होकर खड़े हुओं को, और उन नागों ने सबके नाग लिपट गए थे और उनको ऐसे जकड़ दिया था कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, विवश खड़े थे सभी सेना भी, श्री रामचंद्र भी। उसमें गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ देव ने आकर के और सभी नागों को मारा, काटा, खाया, जो भगवान बंधन मुक्त हुए, श्री राम का बंध, राम की बंधन और गरुड़ ने काटे। तो कहते भी नो बताओ, वो गरुड़ बड़ा है कि तुम्हारा राम बड़ा जो विवश हुआ खड़ा था। अब कहते हैं तुम इस कारण से ही राम, श्री राम को भगवान मानते हो कि लंका के ऊपर पर्वत पे जल के समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। अरे पुल भी किसने बनाया था, वो तो बाद की बातें हैं, कैसे बना था। कहते हैं अगस्त नाम के ऋषि, तुम ही बताते हो तुम्हारी कथा के, उसने एक घूट में सभी समुद्रों को सुखा दिया था, पी लिया था, तो इनमें भगवान कौन सा हुआ। अब तुमने माना है कि श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने तामर ध्वज मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आर्य से चिरवा कर मृत्यु को प्राप्त हुए को जीवित कर दिया, केवल इसी मात्र से प्रभु मान लिया।
अब सुनाते हैं उस परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर के द्वारा ऐसी ही लीला जो छुपा दी गई, जो लाल के महिमा को दबा रखा था, इस लाल को कूड़े में डाल रखा था, वो कथा आपको सुनाते हैं। एक समय कबीर परमात्मा राजा सिकंदर लोधी के साथ काशी से और दिल्ली आ रहे थे। जैसा कि आपने पूर्व सत्संगों में सुना है कि कबीर परमेश्वर ने श्री रामानंद जी का जो शिष्य, रामानंद जी का शिष्य सिर गर्दन सिकंदर लोधी ने अपनी तलवार से काट दी थी, उसको जीवित कर दिया था। एक तो प्रमाण यही हो गया इसके पैरेलल जो आपने अभी श्री कृष्ण जी की महिमा के अंदर सुना है। उसके बाद सिकंदर लोधी के जलन के रोग को, जो असाध्य रोग था और जिसके बारे में ये कह दिया गया था सभी मौलवियों और काजियों और सभी पीरों और संतों, हिंदू धर्म के संतों के द्वारा भी ये कह दिया गया था कि राजा ये तेरे भाग्य में अर्थात प्रारब्ध में लिखा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये रोग तुझे भोगना ही पड़ेगा। उस प्रारब्ध के कर्म को भी परमात्मा कबीर जी ने अपनी आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था और फिर नाम दिया उस परम प्यारी आत्मा को, सिकंदर लोधी को शिष बनाया। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेखो। अर्थात पूर्ण रूप से क्लोज कर दे उस चैप्टर को ही जो तेरे प्रारब्ध का आपको दुखदाई होना था। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, वो तो ये हो सकता है कि रामानंद की आयु शेष होगी इसलिए कबीर जी ने जीवित कर दिया, तो उसी के पैरेलल हो गया। अब इससे भिन्न बताते हैं, जब रास्ते में सिकंदर लोधी कबीर जी को प्रार्थना करके दिल्ली ला रहे थे और ये सोच रहा था सिकंदर लोधी कि ऐसे महापुरुष के विचारों को दिल्ली के लोग सुनेंगे, हिंदू और मुसलमानों का जो आपस में बैर भाव यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनका बहुत निर्मल ज्ञान है और ये सबको एक करने वाला है। उधर से सिकंदर लोधी का एक पीर धार्मिक गुरु जो इंटरनेशनल लेवल का यानी गुरु था, हिंदुस्तान का पूरे मुसलमान धर्म के लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे, शेख तकी, तो वो भी उनके साथ काशी गया हुआ था। जब उस शेख तकी ने ये देखा कि सिकंदर लोधी राजा का जो लगाव है इस कबीर में अधिक हो गया है और तेरी महिमा अब कम हो जाएगी, इस ईर्षावश शेख तकी अंदर से अंदर परमात्मा कबीर जी से ईर्षा करने लगा। रस्ते में जब आ रहे थे, हाथियों पर चल रहे थे, कुछ घोड़े सवार थे, हजारों की संख्या में सैनिक थे, पूरा लश्कर चल रहा था। रात्रि के समय एक दरिया पर पड़ाव डाला, रात्रि को वहां रुक के अलग अलग टेंट लग गए। सुबह जब हुआ तो सिकंदर लोधी शेख तकी के चरण लेने के लिए गया, क्योंकि उनका धार्मिक गुरु था। शेख तकी ने मुंह बना लिया और मुंह फेर लिया, नू करके बैठ गया। अब सिकंदर लोधी जाने था कि आज इसका कोई मरोड़ी लागी, कोई बात क्या चाहता है इसे पूछ लेता हूँ। गर्भवत होकर शेख सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने कहा, पीर जी मुझसे क्या गलती होगी, आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? कहने लगे, तुझे जो मिल गया ना एक गुरु और, तुझे मेरी क्या आवश्यकता है, अब तो तुझे वो कबीर कबीर दिखाई देता है, अब शेख तकी नहीं दिखाई देता। राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे मेरा उतना ही लगाव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे जीवन दान दिया और जिस महापुरुष ने मेरे सामने मेरे हाथ से कत्ल किया हुआ जीवित कर दिया, तो मेरे जैसा दुष्ट नहीं जो मैं इसको अल्लाह या खुदा या मैं तो इसको ना दूं, इनको मैं ये
प्रभु ना मानो। अच्छा, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया? हाँ जी कर दिया, मेरे सामने कर दिया। कहने का मैं जब मानूंगा इस कबीर को कि इसमें कुछ शक्ति है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे, और नहीं तो सिकंदर लोधी में जाकर के दिल्ली में सभी मुसलमानों को बता दूंगा कि राजा काफिर हो गया है, उसने एक हिंदू से उपदेश ले लिया। अब राजा लोगों की इतनी जड़ होती है, इतना ही बेस हो से इनका, इतना घबरा जाते हैं कि पब्लिक तेरे खिलाफ हो जाएगी, तेरा राज चला जाएगा, तो वो घबरा गया। तब सिकंदर लोधी मुंह लटका दिया, गया तो बात बिगाड़ेगा पक्का है। अट्ठी वापस आया तो परमात्मा के पास आए, कबीर जी के पास, जो अपने टेंट में ही रखा हुआ था आदर से, और करबद होकर बैठ गया प्रभु, और मायूस होकर बैठ गया। तो परमेश्वर ने पूछा कि एक राजा क्या बात है, आज आपका चेहरे पर रौनक नहीं है, कोई राजकाज में शांति तो है? तब सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु आपके होते राजकाज में क्या हो सकता है, लेकिन एक ये जो हमारा धार्मिक गुरु है, यो मेरा सिर का दर्द है, यो ना उल्टा लिया पड़ता ना सुलटा, ये मुझसे रुष्ट हो गया है। परमात्मा ने पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से रुष्ट हो गया, इसको भाई मना ले और दे दे 10 रुपये फालतू पीर प्यारा का, इतना भी हो तो आग्रह। कहने लगा जी ऐसी बात नहीं, आज तो यो बहुत जबरदस्त जिद लगा बैठा, ये कहता है कि मैं तब, ये कहता है कि यदि तूने कबीर आप जी के बारे में कह रहा है कि यदि इसमें कोई शक्ति है तो मैं अपनी आंखों देख कर मानूंगा, और नहीं तो सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा ने धर्म चेंज कर लिया। ये कह रहा कि मैं कह दूंगा कि वो कबीर का शिष्य बन गया है, और वो भोले लोग इसकी बहुत मानते हैं, इसको अल्लाह का नुमाइंदा तक मानते हैं, हर आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु मेरा राज्य नहीं रहेगा। तब परमात्मा ने कहा कि कह दे भाई सिकंदर लोधी, कह दे शेख तकीने के ढूंढ ला कोई मुर्दा, इसकी या भी फड़क काट दूं। तो सिकंदर लोधी को तो पता था, जब सामने कर रखे ऐसे लीला, उसको तो चिंता थी नहीं कि जब सतगुरु ने कह दी ये बात तो फाइनल होगी, जान बची राज्य बचा। तब तो जाके कहने लगा शेख जी कोई मुर्दा ढूंढ लाओ, कबीर जी कहते हैं उसको तेरे सामने जिंदा कर दूंगा। तो कहने लगा मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा ढूंढ कर, कभी देखेंगे, कभी कोई बात होगी जब कोई ऐसे कोई मुर्दा होगा, कोई मृत्यु किसी की होगी तो पूछूंगा इससे, क्योंकि वो मृत्यु नेचुरल डेथ होगी तो वो प्रारब्ध पूरा हो चुका होगा। परमात्मा ने के देर लगे इस परम पिता कबीर परमेश्वर को, क्या कहते के कर देख पल मयो। उसी समय देखते हैं सिकंदर लोधी बाहर आया, और बाकी कुछ स्नान कर रहे थे दरिया में सैनिक, उन्होंने देखा कि कम से कम आधा किलोमीटर दूर से देखा कि दरिया में एक 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे का शव बहता हुआ आ रहा है, और उस शव को, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसका प्रारंभ शेष नहीं था। और कुछ ऐसा समाज है, वो न तो मुर्दे को जलाता है न दफनाता है, जमीन में भी नहीं गाड़ता है, वो जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने के उपरांत श्रद्धा से, जैसे हम अपना मुर्दे को सभा करते हैं जलाते हैं, तो वो जल प्रवाह कर देते हैं सब कुल के परिवार मिलकर, उसके नीचे एक बेड़ा सा बना देते हैं, फ्लोटिंग एक ऐसा बना देते हैं फ्लोट, जो तैरने वाला किसी लकड़ियों का या बाजरे बुजरे की ज्वार की पूलियों का ऐसे एक नीचे प्लेटफार्म सा बनाकर थी, उसका ऊपर आदर से लुटाकर ऊपर कपड़ा बांध कर और उसको प्रवाह जल प्रवाह कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके शरीर को जीव जंतु खा करके दुआ देंगे। तो वो लड़का बहता हुआ आ रहा था जिसका प्रारब्ध समाप्त हो चुका था, तो सबने कहा जी वो एक मुर्दा आ रहा है। तब सिकंदर लोधी खुश हो गया कि देखो वो आ रहा है मुर्दा, तो शेख तकी भी बुला लिया कि आ जाओ, कबीर जी भी बुला लिए कि आ जाओ, वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया, वो सब आ रहा है।
तब परमात्मा ने कहा कि पहले सेख तक ही प्रयत्न करे, कई बाद में नंबर बनावक में भी जीवित कर दूंगा। तो सभी ने कहा ठीक है पीर जी, आप भी कोशिश करो, आपसे नहीं होगा तो फिर यही तभी तो फैसला होगा थारे शक्ति का, दोनों कोशिश करोगे। शेख तकी ने भी अपने जंतर मंत्र शुरू किए, तब तक वह मुर्दा बहता हुआ काफ़ी दूर चला गया, लगभग 2 फरलांग, जब तक वो जंतर मंत्र शेख तकी करता रहा। तब शेख तकी ने कहा कि कभी मुर्दे जिंदे थोड़े ही होते हैं, तो कयामत के समय जीवित होंगे, अब थोड़े ही होते हैं, ये झूठ बोलता है। ये चाहता था कि मैं ऐसे ऐसे लटो अपना कोशिश करूं तब तक ये मुर्दा चला जा, कबीर के सिर से बला टले, ये भी नहीं कर सकता, ये झूठ बोलता है। तब परमात्मा ने कहा कि शांत हो जाइए पीर जी। तब परमेश्वर ने जो कि लगभग 2 फरलांग लगभग आधा किलोमीटर से दूर जा चुका था, वो सब बहता हुआ डाउन स्ट्रीम में नीचे की तरफ, वहाँ से परमात्मा ने संकेत किया, ऐसे हाथ कर दिया वापस, तो वो मुर्दा जैसे मशीन वाली जो नौका चलती है मोटर वाली, इस प्रकार अप स्ट्रीम में पानी के विपरीत प्रभाव की तरफ ऐसे चल पड़ा जैसे नौका चल कर आती है और सामने आकर लहर नीचे से जा रही है और वो सब ऊपर यूं का यूं स्थिर है। तो परमात्मा ने कहा हे जीव आत्मा, जहाँ भी है इस सब शरीर में प्रवेश कर और कबीर हुक्म से बाहर आ जा। अब जहाँ अल्लाह अकबर का हुक्म हो, कहते हैं इसमें फजाइल आमाल नाम की एक बुक है मुसलमान भाइयों की, उसमें लिखा है कि ये कबीर अल्लाह कबीर जो है ये ऐसा कलमा है, ऐसा मंत्र है कि इसका उच्चारण करने से आसमान भी के रास्ते फट जाते हैं, सब आसमान खुलते चले जाते हैं। तो उसी समय वो जीवात्मा जहाँ भी जिस चुनी में जाना था उसकी तैयारी धर्मराज के दरबार में हो रही थी, वहाँ से परमात्मा के आदेश से तुरंत वो जीवात्मा वापस आई और लड़के में प्रवेश की, शव में प्रवेश किया और वो शरीर ऐसे ऐसे कंपन करने लगा। वो लड़का जीवित होकर के बाहर आया, आते ही कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब शेख तकी की तो नानी मर गई, अगले भैया भी बात बिगड़ गई, ये भी मुर्दा जिंदा कर दिया। शेख तकी से कहा सिकंदर लोदी ने कि देखो पीर जी, मैं कोई गलत नहीं कह रहा था। शेख तकी कहने लगा ये जादूगर है जादूगर, ये लड़का सदमे में था, ये मरिया नहीं था, हैं ये तो जादूगर है, आम आदमी कर दे इस तरह की बातें, मैं नहीं मानता इस बात ने। आप पुण्यात्माओं के जिस लीला के कारण श्री कृष्ण और विष्णु जी को आपने प्रभु माना हुआ था कि मोर ध्वज के लड़के तामर ध्वज को जीवित करने मात्र से प्रभु मान लिया था, तो वो प्रमाण रामानंद जी की गर्दन काटी शेख सिकंदर लोदी ने सैकड़ों की संख्या के सामने और उसको फिर प्रभु ने जीवित किया, और इस बच्चे का प्रारब्ध नहीं था और फिर भी परमात्मा ने इसे जीवित किया। लेकिन जो कहता है ना ना मानो ना मानो, उसके आगे चे गर्दन काट कर दर्दे आदमी मानना ना करते, मानने वाले तो एक के दो संकेत में मान जाते, एक ये दो उदाहरण को सत्य मान लेते हैं, फिर भी परमात्मा ने अपनी समर्थता का प्रमाण देना था। तो वो लड़का जो जीवित हुआ तो सभी उपस्थित सैनिकों और राजा ने और सभी ने कहा कि आपने कमाल कर दिया कबीर कबीर देव, आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने पुत्र के तुल्य अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रखा प्रभु ने। उसके बाद क्या होता है, एक दिन कमाल के मन में कुछ वर्षों के बाद जब हो लिया 20-22 वर्ष का, उसके मन में बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया और अच्छी जो परमात्मा शिक्षा देते थे सत्संग करते थे वो उसने भी याद कर लिए,
और अन्य संगत में जाकर वो कहने ये सत्संग सुनाने लग गया। और एक दिन परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने अभी उसको और ये कहने लगा कि मैं गुरुदेव की जो सेवा करता हूँ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु जी के साथ रहते थे, पुत्र तुल रखते थे उनको और साथ में शिष्य भी के रूप में, क्योंकि और तो उसका कोई था नहीं, साथ ही रखना पड़ता था और वो सेवा भी फिर वो ही करेगा जो साथ रहेगा परमात्मा की, गुरुदेव की। और उस नादान ने ये ना सोची तेरे पर रहम करे है मालिक ने, मेर कर रखी तुझे ये सेवा मिली हुई है, तो यही मार खाता है ये प्राणी, उसको अभिमान हो गया तो कहने लगा मैं जो सेवा करता हूँ कोई नहीं कर सकता गुरु जी की। तो ये भ्रम तोड़ ये परमात्मा को पता चला इस बात का, तो उन्होंने देखा कि कमाल कहता है मेरे जैसा सेवक और भक्त, श्रद्धा मेरे जैसा समर्पण प्रभु के लिए कोई नहीं कर सकता, ये कहने की बातें हैं। उसके वो फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने, वो भ्रम तोड़ने के लिए, जैसा कि अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने लीला की थी, यही लीला प्रभु कबीर जी करते हैं।